नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल द नॉलेज ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड पब्लिक हेल्थ पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी ग्रुप में शेयर कर दो, अपन जेनेटिक्स स्टार्ट करते हैं। कितने बच्चे आगे? अपन ब्रीडिंग के प्रकार पढ़ रहे थे, तो आज जो है क्रॉस ब्रीडिंग पढ़ेंगे। सभी ग्रुपों में शेयर कर दो, आ जाओ जल्दी से, ऑनलाइन आ जाओ। आउटब्रीडिंग चल रहे थे, आउटब्रीडिंग का जो दूसरा पार्ट है, जो अगला जो प्रकार है वो है क्रॉस ब्रीडिंग। क्रॉस ब्रीडिंग तो क्रॉस ब्रीडिंग के अंदर क्या होता है, आपको एक ही जाति, अब जाति एक करनी है, नस्ल आपको अलग अलग लेनी है, एक ही जाति की दो अलग अलग नस्लों के नर व मादा के अंदर आपने अगर संकरण करवाया, तो इस प्रकार की प्रक्रिया को अपन बोलते हैं क्रॉस ब्रीडिंग। जैसे मान लो कि एचएफ का देसी गाय के साथ संकरण, तो वो भी क्या है, क्रॉस ब्रीडिंग है। या ओलिस्टिन का साहीवाल के साथ, ओलिस्टिन का ब्राउन स्विस के साथ, मतलब नस्ल अलग अलग होनी चाहिए, जाति एक ही होनी चाहिए। तो क्रॉस ब्रीडिंग की परिभाषा क्या है, एक ही जाति की दो अलग अलग नस्लों, नस्ल अलग होनी चाहिए, दो अलग अलग नस्लों के मध्य करवाया गया संकरण, संकरण जो है वो क्या कहलाता है, क्रॉस ब्रीडिंग कहलाता है, क्रॉस ब्रीडिंग कहलाता है। ठीक है, बहुत साधारण सी परिभाषा है। इसके अंदर आपको क्या करना है, आपको जाति एक ही लेनी है, लेकिन नस्ल जो है वो क्या क्या होनी चाहिए, अलग अलग नस्लों के मध्य होना चाहिए। ठीक है, नर अलग नस्ल का होना चाहिए और मादा अलग नस्ल की होनी चाहिए। अगर दोनों की नस्ल अलग अलग है, तो इसके अंदर अपन जब संकरण करवाएंगे, उस संकरण को अपन बोलते हैं क्रॉस ब्रीडिंग। ठीक है, क्रॉस ब्रीडिंग से जो संतान उत्पन्न होती है, उस संतान को या संतति को अपन बोलते हैं क्रॉस ब्रीड। ठीक है, तो इससे किससे, क्रॉस ब्रीडिंग से, इससे उत्पन्न संतति को क्रॉस ब्रेड कहते हैं। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, परिभाषा बहुत इजी है। जाति एक होनी चाहिए और लेकिन नर व मादा दोनों की नस्लें क्या होनी चाहिए, पृथक पृथक होनी चाहिए, अलग अलग नस्ल होनी चाहिए। उनके मध्य अगर आपने संकरण करवाया है, क्रॉस करवाया है, तो उस संकरण को अपन क्या बोलते हैं, क्रॉस ब्रीडिंग बोलते हैं। ठीक है, इसमें उत्पन्न जो संतति होगी, जो संतान होगी, संतानों को अपन सम्मिलित रूप से क्या बोल देंगे, क्रॉस ब्रेड बोल देंगे। इसका मैं एग्जाम्पल लेके चलता हूँ। ठीक है, आप बहुत सारे एग्जाम्पल लिख सकते हो, कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हो आप, किसी नस्ल का किसी के साथ संकरण, तो ऐसे क्रॉस ब्रीडिंग के दुनिया भर के एग्जाम्पल हो सकते हैं। ठीक है, अपना जितनी मर्जी चाहे आप बना सकते हो, किसी का किसी के साथ आप संकरण करवा सकते हो, लेकिन उनकी जाति एक होनी चाहिए। ठीक है, जैसे एक गाय की नस्ल को किसी दूसरी गाय की नस्ल के साथ, एक गाय की एक नस्ल की भैंस को किसी दूसरी नस्ल की भैंस के साथ, एक नस्ल की बकरी को किसी दूसरी नस्ल की बकरी के साथ, एक नस्ल की जो भेड़ है उसको किसी दूसरी नस्ल के साथ, लेकिन उनकी जाति एक होनी चाहिए। ठीक है, एक ही जाति है और दो अलग अलग नस्ल है, तो उनके मध्य आपने संकरण करवाया, तो वो क्रॉस ब्रीडिंग ठीक है कहलाती है। जैसे उदाहरण के तौर पर मान लो कि नस्ल है हिसार डाले। ठीक है, आप दुनिया भर के एग्जाम्पल लिख सकते हो, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए, तो हिसार डाले जो है ये दो नस्लों का जो है वो क्रॉस है। कौन कौन सी है, मागरा भेड़ की नस्ल है ये, मागरा जो कि बीकानेरी है, उसका क्रॉस आपने मेरिनो के साथ करवा दोगे, तो जो नस्ल पैदा होगी उसको अपन बोलेंगे हिसार डाले। ठीक है, ऐसे दूसरा एग्जाम्पल जो है वो है करन फ्राइस,
करन फ्राइस। तो करन फ्राइस जो है गाय की क्रॉस ब्रीड है। इसके अंदर आपको जो है दो नस्ल लेनी पड़ेगी, कौन कौन सी, एक थार पार्कर का संकरण जो है आप किसे कराओगे, फ्राइस का मतलब एचएफ, होलिस्टीन फ्राइसियन एचएफ के साथ। ऐसे इसी से मिलती जुलती जो अगली नस्ल है वो करन स्विस है। तो इसके अंदर आपको क्या लेना है, साहीवाल का क्रॉस जो है आपको किसके साथ करना है, ब्राउन स्विस के साथ आपको इसका क्रॉस करवाना है। तो ये आपके क्रॉस ब्रीडिंग की प्रक्रिया है। इसके अंदर आपको कुछ नहीं याद रखना, सिर्फ जाति एक रखनी है आपको और नस्ल अलग अलग कर लो। जैसे हिसार डेली है, ये भेड़ की जो है एक क्रॉस ब्रीड है। तो इसके अंदर आपने जाति जो है वो भेड़ रखी, लेकिन दो अलग अलग नस्लों की भेड़ों को आपने संकरण करवा दिया। जैसे मागरा जो है कहाँ की है, बीकानेरी को आपने क्रॉस करा दिया मेरिनो के साथ। ऐसे करन फ्राइस है, ये भी एक क्रॉस ब्रीड है। तो इसके अंदर आपको जाति एक ही रखनी है, जाति कौन सी है, गाय है, और ब्रीड कौन कौन सी है, थार पार्कर का क्रॉस आपने किसके साथ करवा दिया, एचएफ के साथ। ऐसे करन स्विस है, ये भी क्रॉस ब्रीड है, ये गाय की क्रॉस ब्रीड है, जाति एक ही है गाय। तो अंदर आपने एक नस्ल की गाय जो है साहीवाल ले ली और दूसरी कौन सी ले ली, ब्राउन स्विस ले ली। इन दोनों के मध्य आपने अगर संकरण करवाया तो जो है आपको जो नस्ल प्राप्त होगी वो क्रॉस ब्रीड नस्ल प्राप्त होगी। तो ये चीज इतनी समझ में आ गई क्या, यहां तक समझ में आ गया तो आगे चले। ये जो परिभाषा और दो मन तीन एग्जाम्पल बताए हैं ये समझ में आ गए तो अपन आगे चले। बाकी जो है, हाँ मेरिनो विदेशी नस्ल है, वेरी गुड है, तो भेड़ की ना। हाँ, शाबाश, बहुत बढ़िया। तो इसके में आगे अपन एक दो पॉइंट और पढ़ते हैं, आगे चलते हैं। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि आपको मान लो किसी घटिया क्वालिटी की कोई जानवर है, उसकी नस्ल जो है आपको बहुत तीव्र गति से सुधार करनी है, बहुत फास्ट गति से, इवन करते फास्ट गति से आपको क्या करनी है, सुधार करनी है। मान लो कि आप इंडिया के अंदर कोई देसी गाय है, उसकी नस्ल बहुत खराब है, उसमें मिल्क प्रोडक्शन बहुत कम है, तो आपको तीव्र गति से रिजल्ट चाहिए, बहुत तेज गति से आपको रिजल्ट चाहिए। तो तीव्र गति से रिजल्ट प्राप्त करने के लिए जो है आप ब्रीडिंग का कौन सा तरीका इस्तेमाल में लोगे, तो आप क्रॉस ब्रीडिंग इस्तेमाल करोगे। तो मैं लिख सकता हूं, नस्ल सुधार किसी भी गाय की नस्ल सुधारने के लिए, चाहे आप गाय ले लो, भेड़ ले लो, बकरी ले लो, किसी की भी आपको नस्ल सुधारनी है, तो नस्ल सुधार के लिए ये लिए सबसे सबसे तीव्र मतलब तेज गति से जो है आप जो है क्रॉस ब्रीडिंग काम कर ले सकते हैं। नस्ल सुधार के लिए सबसे तीव्र गति का ब्रीडिंग जो है वो कौन सी है, क्रॉस ब्रीडिंग। ठीक है, मान लो कि आपको गाय दे दी और उसमें गाय को आपको बहुत तेज गति से आपको नस्ल सुधारनी है, तो आप सबसे बढ़िया हमें कोई दूसरी ऐसी गाय का या ऐसे सांड का सीमन लेके आओ जो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का हो, दोनों में क्रॉस करा दो तो 50% गुण तो जो है प्रथम संतति के अंदर ही आ जाएंगे। तो क्रॉस ब्रीडिंग के द्वारा जो है नस्ल सुधार की प्रक्रिया जो है आप बहुत तीव्र गति से कर सकते हो। तो नस्ल सुधारने के लिए सबसे तीव्र गति का ब्रीडिंग है, ठीक है, सबसे ब्रीडिंग का प्रकार है, ब्रीडिंग है, ठीक है। ये आपको चीज समझ में आ गई होगी। अब एक क्वेश्चन कल मेरे से पूछा भी था, मैं जल्दबाजी में आपको बताया भी था कि मान लो कि एक जानवर है उसमें अपने को नस्ल सुधार करनी है, तो अपन कितनी पीढ़ियों तक उसमें क्रॉस कराते जाए ताकि वो जो घटिया क्वालिटी का जो जानवर है वो सबसे बेस्ट क्वालिटी की नस्ल, मतलब मान लो कि देसी गाय है और विदेशी सांड में आपने एचएफ ले लिया, तो एचएफ जो सांड है उसका सीमन कितनी पीढ़ियों तक अपन लगाते जाएं ताकि आपकी जो पीढ़ी लास्ट में प्राप्त हो वो सबसे प्योर पीढ़ी प्राप्त हो, उसके गुण जो है वो सांड के जो गुण है उसके से मिलते जुलते हों। तो इसके लिए मैंने आपको बताया था कि निकालने का एक तरीका होता है, इसके अंदर क्या होता है कि आपने नर ले लिया एचएफ का, ठीक है, वो जल्दबाजी में बता नहीं पाया था, इसका क्रॉस जो है आपने देसी
काऊ के साथ करवा दिया, ठीक है। तो ये पहला संकरण होगा, पहली पीढ़ी, ये आपकी पहली पीढ़ी बनेगी। इसमें 50% गुण जो हैं वो विदेशी आ जाएंगे। इसके अंदर जो 50% गुण तो किसके रहेंगे, इस नर के, और 50% गुण किसे रहेंगे, देसी गाय के। फिर आपने दूसरी पीढ़ी में संकरण करवाया, संकरण किसी से करवाना है, इसी एचएफ से करवाना है। तो अब क्या करना है आपको, ये 50 तो आ गया, 50 में 100 में से माइनस करें तो 50 बच गया, उससे 2 से डिवाइड कर दो तो 25 बच गया, तो 25 इसमें जोड़ दो, तो 75% गुण जो है अब इसके अंदर जो किसके आ गए, एचएफ के आ गए, ठीक है। फिर आप करो तीसरी पीढ़ी के अंदर, तरीका वही है आपको, 75 में से आपको 100 में से 75 को माइनस करना है तो बच गए 25, 25 में 2 से डिवाइड करना है तो 12.5 इसके अंदर जोड़ देना है तो आपका 87.5। तो ऐसे आप करवाते जाओगे तो 7 से 8 पीढ़ियों तक ऐसे आपको क्रॉस कराना है, ठीक है। तो 7 से 8 पीढ़ियों के बाद में जो आपको संतति प्राप्त होगी, जो आपको संतति प्राप्त होगी, मान लो कि 7 से 8 पीढ़ियों के बाद में आपको जो संतति प्राप्त हुई है, इस संतति के जो गुण हैं वो बिल्कुल किससे मिलते जुलते होंगे, एचएफ से मिलते जुलते होंगे। तो ये क्वेश्चन कई बुक के अंदर लिखा हुआ है कि किसी देसी नस्ल के अंदर अगर आप नस्ल सुधार का कार्यक्रम कर रहे हो तो आप कितनी पीढ़ियों तक संकरण कराओ ताकि जो है उसके अंदर जो है सारे के सारे जो है जो अच्छी क्वालिटी के जानवर के गुण आ जाएं। तो आपको याद रखना है कि 7 से 8 पीढ़ियों तक संकरण कराने से नस्ल लगभग 100% प्योर नस्ल में परिवर्तित हो जाती है। क्या करना है, 7 से 8 वीडियो तक आपको संकरण कराना है तो जो घटिया क्वालिटी की नस्ल थी वो 100% प्योर नस्ल, प्योर कौन सी, बढ़िया क्वालिटी वाली नस्ल के अंदर आप कन्वर्ट कर दोगे। तो ये 2 पॉइंट आपको याद रखने, सबसे फास्ट गति से आपको अगर नस्ल सुधारना है तो आपको क्रॉस ब्रीडिंग काम में लेनी है, और एकदम प्योर बनानी है आपको तो आपको कहाँ तक क्रॉसिंग करानी है, 7 से 8 पीढ़ियों तक आपको क्रॉसिंग करवानी है, ठीक है। एक चीज आप जो है ये ध्यान रखना है आपको कि आप जैसे मान लो कोई देसी गाय है, इसके अंदर आप मैक्सिमम कितना प्रतिशत जो है विदेशी गुण ला सकते हो, तो 62.5%। उससे ज्यादा आप विदेशी गुण लेके आए तो आपकी जो नस्ल है क्रॉस ब्रीड जो है उससे बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जो होने लग जाएंगी, जैसे मिल्क फीवर है, थायरोसिस है, बेबेसियोसिस है, ये ऐसे रोग हैं जो देसी नस्ल के अंदर नहीं पाए जाते, सारे के सारे जो हैं विदेशी नस्लों के अंदर पाए जाते हैं। तो आपको नस्ल को पूर्णतया जो है शुद्ध नहीं बनानी है, पूर्णतया उसके अंदर विदेशी गुण नहीं लेके आने हैं, आपको सिर्फ 62.5 विदेशी ही गुण लेके आने हैं ताकि आपका जो है दूध उत्पादन भी बढ़ सके और जानवर जो है वो विभिन्न प्रकार के रोगों से लड़ने की जो उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो भी बनी रहे। तो आपको याद रखना है कि किसी देसी नस्ल में 62.5% तक ही विदेशी गुण होने चाहिए, ठीक है। अगर इससे कम होगा तो जो आपका प्रोडक्शन है वो कम हो जाएगा, ठीक है। इससे ज्यादा होगा तो जानवर विभिन्न प्रकार के रोगों से ग्रसित हो जाएगा, ठीक है। तो उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाएगी, वातावरण से लड़ने की जो अनुकूलता है उसका अडेप्टेशन है वो कम हो जाएगा। अभी जैसे मान लो कि आपने जो है लगातार 7 से 8 पीढ़ियों तक लगातार आपने जो है एचएफ का जो है सीमन लगाते रहे तो इस गर्मी के टाइम जो है वो क्रॉस ब्रीड है वो सबसे ज्यादा गर्मी का शिकार होंगी। लेकिन उसमें आपने 62.5% गुण रखे होते तो उसके अंदर वे जीन होती जो गर्मी को सहन करने की उसके अंदर क्षमता होती, तो बहुत सारी बीमारियों से भी आपको बचाएगी और जो हीट टॉलरेंस कैपेसिटी है उसको भी आपको मेंटेन रखेंगे। तो ये है क्रॉस ब्रीडिंग। इसमें अगर समझ में आ गया तो अपन आगे बढ़ते हैं, प्रजाति संकरण बचाओ उसको पढ़ लेते हैं, कोई दिक्कत है तो रिपीट कर लो।
आपकी हाँ मुझे आगे बढ़ाएगी। ओके ओके चलो ठीक। तो आगे लास्ट जो आउटब्रीडिंग का प्रकार बचा हुआ है वो है प्रजातीय संकरण। ठीक। प्रजातीय संकरण स्पीसीज हाइब्रिडाइजेशन। चलो अगला जो है लास्ट जो है ब्रीडिंग का प्रकार जो है वो है जातीय संकरण स्पीसीज हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है अगला कौन सा है स्पीसीज हाइब्रिडाइजेशन जिसको हिंदी में बोलते हैं जातीय संकरण। तो इसका आपको नाम से पता चल रहा है कि इसके अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, दो अलग अलग जाति की जो प्राणी है उनके मध्य अगर संकरण कराओगे तो उस प्रकार के संकरण को अपन बोलते हैं जातीय संकरण। तो इसकी परिभाषा अपन लिख लेते हैं दो। अब इसके अंदर जो है फैमिली सेम है, फैमिली सेम है लेकिन जातियां अलग अलग हैं। दो अलग 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 जातियों के जानवरों के मध्य करवाया गया संकरण संकरण जो है वो क्या कहलाता है, जातीय संकरण कहलाता है। संकरण कहलाता है, बहुत इजी सी परिभाषा है। ठीक है भेड़ का बकरी के साथ, आदमी का वो गाय का सांड के उल्टा सीधा करना है, मतलब सांड का भैंस के साथ ऐसे उल्टा सीधा संकरण आपको कराना है। ठीक है एक तरफ तो मैंने निषेचन में आपको बताया था कि ऐसा कुछ होता नहीं है ना, दूसरी तरफ मैं आपको बता रहा हूँ ऐसा कुछ होता है। दारुण कंफ्यूजन कर रहा है ना दिमाग के अंदर, लेकिन ये जो है इतना आसान काम नहीं है। वैज्ञानिकों की बहुत बड़ी रिसर्च करने के बाद में जो है ये जातीय संकरण प्राप्त होते हैं। नेचुरली ऐसा काम संभव नहीं है। अगर आपने भैंस को सांड का सीमन लगा दिया तो आपको कभी भी जो है भैंस से सांड पैदा हुआ नहीं मिलेगा, लेकिन उसके अंदर वैज्ञानिकों को बहुत सारे जो है उनका रिसर्च हार्ड वर्किंग है, उसके अंदर अपने को जाना नहीं है। वो रिसर्च करके फर्टिलाइजिंग एंटी फर्टिलाइजिंग को आपस में न्यूट्रलाइज करके फिर दोनों को जोड़ के जो है अपन जातीय संकरण बनाते हैं। नेचुरली नहीं बनेगा। ठीक है तो जो आपके दिमाग में कंफ्यूजन आ रहा था वो मैं हमने क्लियर कर दिया है। ऐसे नेचुरली जो है एक जाति का जो शुक्राणु है वो दूसरी जाति के जो अंडाणु को पहचान नहीं पाता। ठीक है लेकिन आप अगर उनकी फर्टिलाइजिंग और एंटी फर्टिलाइजिंग प्रोटीन को हटा दो तो फिर वो अनजान हो जाएंगे, किसी को किसी के साथ मिला सकते हो। ठीक है तो ये आपको इसके अंदर पढ़ना है। इसके अंदर जो एग्जाम्पल जो है वो बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है म्यूल और हनी का। म्यूल और हनी, म्यूल के अंदर जो आपको मेर लेनी है गधी, सॉरी घोड़ा, घोड़ी का क्रॉस जो है आपको किसके साथ करवाना है, गधी फीमेल डंकी जो है उसके साथ, और जो हिनी है वो इसका उल्टा है। हिनी के अंदर आपको क्या करना है, यहाँ गधी लेनी है और इधर जो है आपका क्रॉस किसके साथ हो, घोड़ा के साथ क्रॉस। ठीक है और भी आप लिख सकते हो, किताबों में बहुत दिए मैं कैसे बनाते रहो, कैटेलो, कैटेलो का मतलब कैटल, कैटल का जो संकरण है वो आपने किसके साथ करवा दिया, भैंस के साथ करा दिया। ऐसे कामा का मतलब होता है केमल का क्रॉस करवा दिया आपने लामा के साथ, लामा। ठीक है ये आ गया। एक आता है पाइन्यू, पाइन्यू आता है पाइन्यू। ठीक है इसके अंदर जो है गाय का आप है वो याक के साथ आप करवा दो तो जो है आपका पाइन्यू बनता है। जेब्रोइड भी है, आप कितने भी बना सकते हो, इस कंसेप्ट का आपके क्लियर होनी चाहिए, जेब्रा क्रॉस विथ हॉर्स। ठीक है
और इसमें ये कोई जरूरी ये मूल और हिंदी में से दिया हुआ है, बाकी और अन्य के अंदर आप लिंक भी चेंज कर करके बना सकते हो। अब किताब क्या बोलती है, मूल और हिंदी देख लिया, अब कैटलॉग में क्या क्या करते हैं कि ये मेल होगा फीमेल होगा, चेंज कर लो ना भाई, इसको भी चेंज कर लिया, गद्दी थी वो घोड़ी बन गई, घोड़ी थी वो गद्दी बन गई, उल्टा चेंज करके देख लिया ना, तो सिस्टम चेंज हो गया, इसको भी आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, आपको बेसिक फंडा जो है ये याद रखना है, जातियां अलग अलग होनी चाहिए। ठीक है, इसके अंदर जाति देखी तो इसकी जाति जो थी वो ये घोड़ा घोड़ी है और ये गद्दी है और ये गद्दी घोड़ा है और इसके अंदर गाय भैंस है, इसके अंदर जो जेब्रोड के अंदर जेब्रा और हॉर्स है, कामा के अंदर कैमल और लामा है, और पाइन्यू के अंदर जो है गाय और यार्क है। ठीक है, तो आपको बेसिक चीज जो है अरे गद्दी है यार, इतना तो दिमाग तुम लगा ही सकते हो, इतनी सी चीज के लिए कमेंट कर रहे हो, हैं समझदार कब बनोगे तुम, जवान कब होगे, गद्दी गद्दी में हो सकता है क्या? अरे बेटा झगड़ा झगड़ा बेटा, इतना तो समझ में आता होगा ना, मूल का अर्थ मूल। अरे नहीं नहीं ऐसे कमेंट मत करो सुधीर, कमेंट काट ही ऐसा ना ना, ऐसे कमेंट नहीं, बिल्कुल नहीं सुधीर, डिलीट कर कमेंट को सुधीर, डिलीट दिस कंटेंट, सब समझते हैं, वेरी गुड शाबाश, ऐसे कमेंट नहीं, चलो आगे चलते हैं। ठीक है, तो ये तो गद्दी घोड़ा है, ये गद्दी नहीं है, वो समझ रहे हो आप, समझदार आदमी। ठीक है, अपोजिट होने चाहिए, सेम सेम को तो गवर्नमेंट भी अलाउ नहीं कर रही है आजकल, बड़ी संघर्ष के बाद में कोई सफलता मिली है कि नहीं मिली मेरे को, अभी कोर्ट के आदेश ध्यान में नहीं है। ठीक है, बहुत संघर्ष वाला काम है जो मैंने लिख दिया था वो। ठीक है, तो ये अपने ब्रीडिंग के प्रकार थे, और अपन पढ़ेंगे चयन सिलेक्शन, तो हेडिंग डाल दो सिलेक्शन या चयन, सिलेक्शन या जिसको बोलते हैं चयन। ठीक है, अभी ब्रीडिंग में कोई दिक्कत हो बहुत ही बढ़िया गुरु जी, लगे रहो। ठीक 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 महावीर, आप क्लास नहीं लेते यार, आपकी बहुत शिकायत आ रही है घर से, पढ़ाई नहीं करते आप रेगुलर, पढ़ा करो यार, पढ़ोगे तभी नौकरी प्राप्त करोगे। चलो आगे चलते हैं, सिलेक्शन। ठीक है, सिलेक्शन के अंदर आपको क्या करना पड़ता है कि आपके पास बहुत सारी ऐसे, मान लो किसी का भी चयन करना हो, चयन समझते हो कि आपके पास में जो है 20 प्रकार की मादाएं रख दी। ठीक है, मान लो कि आपको उन 20 मादाओं में से किसी एक मादा का चयन करना है अपने घर के लिए, या दूध उत्पादन के लिए, या उसको रेयरिंग करने के लिए, तो चयन की प्रक्रिया आप समझते हो, उसकी परिभाषा लिखवाने की कोई जरूरत नहीं है, आप अपने कौन से दिमाग के आधार पर, उनके लक्षणों के आधार पर, उसकी वंशावली के आधार पर, उसके परिवार के आधार पर, या उसकी प्रोजेनी संतति के आधार पर किसी नर या मादा को जो है ब्रीडिंग के लिए चयन करना जो है सिलेक्शन या चयन कहलाता है। ठीक है, अपन इसके अंदर देखते हैं कि चयन के जो है मेथड कौन कौन से होते हैं, तो सबसे पहले जो है अपन इसके मेथड्स के अंदर आते हैं, जिसमें से एक क्वेश्चन हर बार आता है, चयन के कौन कौन से मेथड है। तो सबसे पहला मेथड जो है वो है टेंडम, पहला मेथड कौन सा है टेंडम मेथड, दूसरा जो है वो कलिंग, इनको अपन समझेंगे सह विस्तार कि क्या क्या दिक्कत है, और तीसरा जो है वो है स्कोर कार्ड मेथड। ठीक है, तो चयन को जो है इसके जो मेथड है उसको अपन ने मुख्यतः तीन भागों के अंदर वर्गीकृत किया हुआ है, टैंडम, ठीक है, कलिंग और स्कोर कार्ड। अब ये क्या होते हैं इसको आप बिल्कुल आराम से समझिए। ठीक है, पहला सबसे पहला आप टैंडम मेथड लीजिए, टैंडम का मतलब क्या होता है, टैंडम का मतलब होता है कि एक समय एक साथ किसी एक लक्षण को लेते हुए, किसी एक लक्षण को लेते हुए किसी जानवर को जो है प्रजनन के लिए चुनना या संतति पैदा करने के लिए चुनना जो है टैंडम सिलेक्शन कहलाता है। एक लक्षण, जैसे
मान लो कि आपके पास, मैं टेंडम को लेके लगता एग्जांपल लेके चलता हूँ कि आपके पास मैंने जो है पहला मैंने लक्षण ये लिया कि मुझे जो है एक ही लक्षण चाहिए, ज्यादा दूध देने वाली गाय चाहिए, एक ही लक्षण सिलेक्ट किया मैंने, मैं फैट एसएनएफ के बारे में सोचना ही नहीं। टेंडम क्या बोलता है कि आप एक समय सिर्फ एक ही लक्षण के आधार पर किसी जानवर को चुनना, उसको अपन बोलते हैं चयन। तो मैंने एक लक्षण ये ले लिया कि मुझे जो है ज्यादा दूध उत्पादन करने वाली गाय का चयन करना है, उसका सिलेक्शन करना है, उसको चुनना है। तो मैं आपके सामने तीन गाय लिखूंगा, तीनों गायों के फैट और कुल दूध उत्पादन को लिखूंगा, उसमें से आप बताओगे कि कौन सी गाय जो है आप सिलेक्ट करोगे। तो ये गाय नंबर एक है, इसमें दूध जो है वो 10 लीटर है और इसका जो फैट कुल उत्पादन किसका, दूध का, वो 10 लीटर है और फैट जो है इसकी जो है 4.5%। ठीक है, मैंने दूसरे नंबर की गाय ली, उसका दूध उत्पादन जो है वो 15 लीटर है, ठीक है, और इसका फैट परसेंटेज जो है वो 4.1%। ठीक है, मैंने गाय नंबर तीन ले ली, इसमें मान लो कि दूध दिया इसने 20 लीटर और इसका फैट परसेंटेज जो है वो 3% है। ठीक है, अब इन तीनों गायों में मैंने एक ही लक्षण सिलेक्ट किया है कि मुझे वही गाय चयन करनी है जिसके अंदर दूध का उत्पादन ज्यादा से ज्यादा हो। तो टैंडम सिलेक्शन जो है वो आपको इन तीनों गायों में से कौन सी गाय जो है चुनने का अधिकार देती है, कमेंट करके बताइए। गाय 3 कुलदीप, वेरी गुड, कलंदर, वेरी गुड, शाबाश, बहुत शाबाश। 3 नंबर की गाय, मतलब आप बात पकड़ गए हो, समझ में आ गई, टैंडम सिलेक्शन आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब बिल्कुल बिल्कुल सही है, सबका सही है। अब मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज कर देता हूं कि मुझे इन तीनों में मेरा अब जो लक्षण है, मैं कुल दूध उत्पादन को नहीं ले रहा हूं, अब मैं ले रहा हूं कि जिस गाय के दूध में सबसे ज्यादा फैट होगा, जिस गाय के दूध में सबसे ज्यादा फैट होगा वही लक्षण का मैं चयन करूंगा। तो उसके आधार पर टेंडम सिलेक्शन जो है आपको कौन सी गाय सिलेक्ट करने के लिए बोलेगा, इसका भी आंसर दो। एक सब ने आंसर भी दे दिया, वेरी गुड, मतलब ये चीज आपको समझ में आ गई, तो मैं इसको भाषा में लिख देता हूँ। ठीक है, टेंडम सिलेक्शन का मतलब मेथड जो है आपको समझ में आ गया, इसमें क्या लिख रहा है, इस प्रकार के चयन में एक साथ केवल एक ही लक्षण के आधार पर जानवर का चयन किया जाता है। उदाहरण आप लिख लो, वही आप कुल दूध उत्पादन वाला वो एग्जाम्पल आप समझ गए होंगे, बार बार मैं वो नहीं लिखूंगा। तो ये है टैंडम चयन, ये आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, लेकिन आपसे एक बार पूछ लिया जाए कि ये मेथड अच्छा है क्या, नहीं, घटिया मेथड है। ठीक है, अकेले दूध दूध का क्या करोगे, और भी चीज चाहिए। ठीक है, फैट भी डंकी हो, तो इस विधि को अपन टैंडम तो क्या बोलता है कि आपको एक समय सिर्फ एक ही लक्षण चयन करना है, लेकिन ये विधि अच्छी नहीं है। विधि तो यही है जो मैंने बताई वही, लेकिन विधि अच्छी नहीं है। ठीक है, क्योंकि आप जाओगे तो डेयरी पर तो फैट और एसएनएफ के पैसे देते हैं, पानी के पैसे कौन देता भाई, कोई नहीं देता। ठीक है, तो थोड़ा फैट भी तो चाहिए, थोड़ा एसएनएफ भी चाहिए। ठीक है, तो मतलब ये विधि जो है वो अच्छी विधि नहीं है, खराब विधि है। तो आप लिख सकते हो ये चयन की खराब विधि है, बढ़िया विधि नहीं है, घटिया विधि।
चयन की जो है वो खराब विधि है, अच्छी विधि नहीं है। क्यों? क्योंकि अपने को जो है अन्य लक्षणों का भी जो है चयन करना चाहिए था, तो ये जो टैंडम सिलेक्शन है वो चीज को अलाउ नहीं करता। टैंडम यही बोलता है एक ही लक्षण लो एक समय में, तो ये विधि बढ़िया नहीं है, अच्छी क्वालिटी की नहीं। ठीक है, दूसरी आती है कलिंग। दूसरा चयन का मेथड आता है कलिंग। अब कलिंग क्या होता है? कलिंग ये बोलता है इसके अंदर आप एक से अधिक लक्षण आपको लेने हैं, दो ले लो या दो से अधिक। बॉडी के सारे लक्षण तो नहीं लेने आपको, सारे लक्षण काउंट नहीं करने, लेकिन अधिकतम लक्षण आप ले सकते हो, एक से ज्यादा लक्षण आप कितने भी ले सकते हो। दो या दो से अधिक लक्षणों के आधार पर किसी जानवर का चयन करना हो तो उसको अपन बोलते हैं कलिंग। जैसे मैंने दो लक्षण ले लिए, कि मैं पहले समझा ही देता हूँ कि मेरे को ऐसी गाय चाहिए जिसमें दूध उत्पादन भी कम से कम 10 लीटर हो। ठीक है, अब देखो इसके अंदर क्या करना पड़ेगा, आप दो या दो से अधिक लक्षण ले रहे हो तो प्रत्येक लक्षण का आपको एक न्यूनतम मानक स्तर बनाना पड़ेगा। प्रत्येक लक्षण के लिए आपको एक न्यूनतम मानक स्तर बनाना पड़ेगा। अगर वह लक्षण उस न्यूनतम मानक स्तर को छूता है, टच करता है, उससे ऊपर है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन न्यूनतम मानक स्तर तक वो अगर वो लक्षण है तो उसको आप चयन कर लोगे। अगर न्यूनतम मानक स्तर से कम है तो वो लक्षण आप चयन नहीं करोगे, उस लक्षण के साथ में उस जानवर को भी आप क्या कर दोगे, कल कर दोगे, बेच दोगे। जैसे उदाहरण के तौर पर बताता हूँ कि मैंने दो लक्षण लूंगा, एक तो गाय का कुल दूध उत्पादन और गाय के अंदर फैट, और दोनों का मैं न्यूनतम मानक स्तर तय करता हूँ कि मेरे को ऐसी गाय चाहिए जो कम से कम 10 लीटर तो दूध दे। तो मेरा न्यूनतम मानक स्तर दूध उत्पादन के लिए कितना हो गया, 10 लीटर। तो 10 लीटर से कम वाली गाय नहीं चलेगी। दूसरा, मैं मानक स्तर तय कर रहा हूँ फैट के लिए, तो मेरे को ऐसी गाय चाहिए जिसमें कम से कम 4% फैट हो। तो 4% से कम फैट वाली गाय बिल्कुल नहीं चलेगी, ऊपर कितना भी हो सकता है। ठीक है, तो मैं एक एग्जाम्पल देके बताता हूँ कि इन एग्जाम्पल के अंदर आप ये बताओ कि कौन सी गाय को आप चयन करोगे अधिकतम दूध उत्पादन के लिए और अधिकतम फैट उत्पादन के लिए। तो मैं आपको पहली गाय लिखता हूँ, ये दरबार तो आपने लिख लिया होगा, मैं इसको मिटा देता हूँ ताकि अपन स्पेस बढ़िया मिल जाए। कलिंग लिख लेते हैं अपन, आप तो वैसे लिखते थे ना जैसे लिख रहे हो वैसे। ठीक है, अब देखो कलिंग, अब मैं तीन गाय जो सिलेक्ट करता हूँ आपके सामने, काऊ फर्स्ट, काऊ सेकेंड और काऊ थर्ड। ठीक है, यहां मैं उसका दूध उत्पादन लिख दूंगा, कुल दूध उत्पादन। ठीक है, और तीनों का मैं फैट परसेंटेज भी लिख दूंगा। फिर मेरे को आप बताओगे कि कौन सी गाय मैं सिलेक्ट करूं। मान लो कि पहली गाय है, ये जो है वो 9.99, मेरा क्या है न्यूनतम स्तर तो बता दिया मैंने, 10 लीटर तो दूध चाहिए मेरे को और 4% फैट चाहिए, ऊपर कितनी भी हो सकती है कोई दिक्कत नहीं। इसमें 9.9 केजी का दूध उत्पादन है और इसकी फैट परसेंटेज है 5%। ठीक है, ये गाय नंबर एक। गाय नंबर दूसरी है, ये 15 लीटर है। ठीक है, ये 15 लीटर है और इसके जो फैट परसेंटेज है वो जो है 3.8%। ठीक है, दूसरी गाय जो है 10 लीटर दूध है, 10 लीटर दूध है और फैट जो है वो 4 लीटर है। ठीक है, ये थोड़ा सा चेंज भी कर लो, ये 12 लीटर दूध कर देता हूँ मैं, कन्फ्यूजन नहीं हूँ, और ये 4.5% फैट। तो इन तीनों गायों को मैं मेरे मानक स्तर के आधार पर कौन सी गाय का चयन करूंगा ये बता दो मेरे, कौन सी गाय का चयन होगा। नंबर थर्ड जगदीश भावा, बहुत बढ़िया, मेरे से पहले क्वेश्चन से पहले आंसर दे दिया, शाबाश सबको, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल बिल्कुल शाबाश, बहुत सही तरीका है। अब मैं आपको एक बार समझा देता हूँ, किसी को समझ में नहीं आया, पहली गाय अपन सिलेक्ट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? कि एक जो लक्षण है ये तो आपके 4% से ऊपर निकल रहा है, तो इसके आधार पर तो आपने चयन कर लोगे, लेकिन इसमें 10 लीटर चाहिए, तो इसने अपना न्यूनतम मानक स्तर है वो तय नहीं किया। जब न्यूनतम मानक स्तर तय नहीं करोगे तो आप इस लक्षण को सिलेक्ट नहीं करोगे, तो इस गाय को भी आप क्या नहीं करोगे, सिलेक्ट नहीं करोगे। तो इस गाय को आप कल कर दोगे, बेच दोगे, ग्रुप में से हर्ड में से हटा दोगे। कलिंग का मतलब होता है किसी जानवर को उसके समूह में से हटा देना। अब क्यों हटा देना? या तो वो दूध उत्पादन नहीं दे रही, या अपने घाटे का सौदा है, या बहुत भयंकर बीमार है,
जिससे अपने को उत्पादन कुल मिला के अपनी जो जेब खर्ची है उसमें कोई नुकसान हो रहा है या जेब खर्ची में कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही, तो जानवर को अपन हटा देते हैं, बेच देते हैं। ठीक है, अब दूसरा जानवर देखो, दूसरे जानवर ने जो पहला लक्षण था उसके सभी मानक स्तर जो है न्यूनतम मानक स्तर उसने बिल्कुल क्लियर कर लिए, लेकिन ये फैट परसेंटेज मेरे को 4 चाहिए, 3.8 तो कम रह गई, तो ये लक्षण चयन नहीं होगा, तो ये गाय भी अपन सेलेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तीसरी पे आओ, मेरे को 10 लीटर दूध ही चाहिए था, इसने 12 लीटर दूध दे दिए, बहुत बढ़िया बात। मेरे को फैट 4% चाहिए थी और इसकी फैट जो है 4.5% है, मतलब दोनों ही लक्षण न्यूनतम मानक स्तर को बिल्कुल छूते हैं, तो ये गाय जो है आप सेलेक्ट कर लोगे। कौन सी विधि से? कलिंग मेथड विधि से आप सेलेक्ट कर लोगे। तो ये समझने में आपको शायद कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि अरे कोरोना वायरस यार तू अभी है क्या? चलो मैं ये बोल रहा हूँ, गुरु जी अकेले मिल पर थोड़ी सिलेक्शन करेंगे। अरे मैं नहीं बोल रहा, आपकी मर्जी है, उसे सिलेक्ट कर लो। मैं क्या बोल रहा हूँ कि विधियां कैसी हैं, उन विधियों के अंदर क्या क्या क्वालिटी चाहिए आपको, मैं एक एक विधि बता रहा हूँ, आपकी मर्जी है। दूध पे लो, फैट पे लो, SNF पे लो, लो चाहे मत लो, कोई दे तो लो, ठीक है। लेकिन मेरा ये नहीं कहना है कि मैं ये बता रहा हूँ कि विधि आपको क्या अलाउ करती है। ठीक है, कोरोना वायरस, कोरोना भाई तेरी वैक्सीन कब आएगी? ओके ओके, वेरी गुड, चलो आगे चलते हैं। ठीक है, आपकी मर्जी है, आप कौन सी भी विधि अपनाओ, चाहे आप 1 लीटर दूध देने वाली गाय ला रहे हो तो आपकी मर्जी है, आप कर सकते हो। आपका न्यूनतम मानक स्तर 1 ही लीटर दूध है तो आप 1 लीटर दूध कर लो। मैंने बताया कि मेरा न्यूनतम मानक स्तर 10 लीटर था, तो मैं मेरे हिसाब से उसको सिलेक्शन करना आपको मैंने सिखाया था। ठीक है, अब इसके अंदर अपन थोड़ी सी भाषा के अंदर लिख लेते हैं, ताकि जो है आपको नोट्स बनाने में कोई दिक्कत नहीं आए। तो सबसे पहले तो आपको कलिंग का मतलब समझ में आना चाहिए। कलिंग का मतलब ये होता है कि जो भी अनवांटेड अनप्रोडक्टिव जितने भी एनिमल्स हैं उनको अपने उस ग्रुप में से हटा देना। मान लो कि ऐसी गाय है जो 1.5 लीटर दूध दे रही है और घास खूब खा रही है, अब क्या करोगे? पशुपालक की तो वैसे जेब फटी पड़ी है बेचारे की, कोरोना वायरस से ओ डाउन, कोरोना वायरस की मार में बहुत सारे लोग मरे हुए हैं, और फिर ऊपर से उसको खाना 200 रुपए का खाना, 100 रुपए का खाना जा रहा है, जेब में आ रहे हैं 10 रुपए, क्या फायदा? ठीक है, तो ऐसे जानवर को हटा देना चाहिए। ठीक है, तो कलिंग क्या बोलता है? कलिंग क्या बोलता है? किसी अनप्रोडक्टिव, मतलब उत्पादन नहीं करने वाले, किसी अनप्रोडक्टिव मतलब उत्पादन नहीं करने वाले अनप्रोडक्टिव जानवर को उसके समूह में से हर्ड, उसके समूह मतलब क्या होता है? हर्ड, समूह में से हटा देना क्या कहलाता है? कलिंग कहलाता है। ठीक है, इसमें आप चयन कैसे करोगे? आप जो है इसके अंदर 2 या 2 से अधिक लक्षण आप ले सकते हो, और प्रत्येक लक्षण के लिए आपको एक न्यूनतम मानक स्तर जो है वो तय करना पड़ेगा, उसको टेस्ट करना पड़ेगा, न्यूनतम मानक स्तर जो वैल्यू है वहां तक आपको पहुंचना पड़ेगा। तो इस प्रकार के चयन में 2 या 2 से अधिक लक्षणों का एक साथ चयन किया जाता है। ठीक है, 2 या 2 से अधिक लक्षण जो है, कम से कम 2 हो, 1 से तो अधिक ही हो, तो 1 से अधिक तो 2 होंगे, 1 आते ही तो टेंडम आ जाएगा, 1 तो आते ही टेंडम आ जाएगा, तो 1 से आपको ज्यादा करना है तो 1 से ज्यादा 2 होता है, और 2 से अधिक आप कितने भी लक्षण ले सकते हो, उनका एक साथ चयन करना है। तथा प्रत्येक लक्षण के लिए एक मिनिमम स्टैंडर्ड होता है, न्यूनतम जो है मानक स्तर होता है प्रत्येक लक्षण के लिए, एक न्यूनतम
मानक स्तर, इंग्लिश में बोलते हैं मिनिमम स्टैंडर्ड लेवल, ठीक है, एक न्यूनतम मानक स्तर होता है, होता है। थोड़ा ऊपर लिख देता हूं, न्यूनतम मानक स्तर होता है तथा इस लक्षण को, इसके आगे लिख रहा हूं, तथा इस लक्षण को, जिस भी लक्षण को आपने चयन किया था, इस लक्षण को, इस लक्षण को उस न्यूनतम मानक स्तर को तय करना पड़ता है, तय करना पड़ता है, मतलब वहां तक आपको जो है करना पड़ता है, वहां तक वो वैल्यू आपको पहुंचानी पड़ेगी। अगर अगर कोई लक्षण, कोई लक्षण न्यूनतम मानक स्तर से कम होता है, कम होता है, होता है, तो उस लक्षण के साथ उस जानवर को, जानवर को समूह में से हटा दिया जाता है, हटा दिया जाता है, अर्थात 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 जानवर का चयन नहीं किया जाता है, नहीं किया जाता है। तो थोड़ी सी भाषा थी मैंने आपको लिख दी, ताकि आपको नोट्स के लिए भी इधर उधर कहीं जाना नहीं पड़े, ठीक है। तो ये आपका एक कलिंग का मेथड था, जिसके अंदर आपको क्या करना था कि आपको न्यूनतम मानक स्तर जो है आपको तय करना पड़ेगा, उस न्यूनतम मानक स्तर तक आपको पहुंचना पड़ेगा। अगर आप न्यूनतम मानक स्तर तक पहुंच गए, अरे एनिमल स्पेशलिस्ट जगदीश क्या बोल रहे हैं, सीधा बोल बोर्ड पे ना लिख, अरे बोर्ड पे मैं इसलिए लिख रहा हूं कि आपके नोट्स बन जाएं, ठीक है, आपके नोट्स बनते चले जाएं, आपको नोट्स के लिए कहीं से कोई पीडीएफ नहीं मांगनी पड़े, किसी को फोन नहीं करना पड़े कि मेरे को वो नोट्स भेज दो, ठीक है। ऑनलाइन का मतलब मैं ये चल रहा है कि आप रजिस्टर और पेन अपने साथ लेकर बैठे, ठीक है, आपको बार बार आपकी एमबी भी खर्च नहीं करनी पड़े, मैं जितनी सुविधा है पूरी देने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको नोट्स के लिए, साइड में लिख लेते हैं सर क्या बोल रहे हैं, सीधा लिख लेते हो, हाँ बढ़िया है ना, लिख लो, मैं ये मेहनत ही है मेरी, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, क्योंकि मेरा लंबा एक्सपीरियंस है जगदीश स्पेशलिस्ट, सब एक दिमाग के इंसान नहीं होते हैं, कोई मेरे जैसे डल माइंड का भी है तो बेचारा उसकी लाइट डिम डिम चसती है ना, उसके लिए मैं बोर्ड पे लिखता हूँ, मेरे हर जो बच्चे हैं उसके लिए मैं कोशिश करता हूँ, आप उसकी टेंशन ना लें, ठीक है, आप समझ गए तो आप समर्थन करते रहिए, नहीं आया तो आप रिपीट के लिए बोल दें, ठीक है। तो आगे चलते हैं अपन, ये अपना जो है मेथड जो है वो था कलिंग मेथड था। अगला जो अपना तीसरा मेथड है वो है स्कोर कार्ड मेथड, उसको भी आप ध्यान से समझिए क्या होता है स्कोर कार्ड मेथड। स्कोर कार्ड मेथड तीसरे नंबर का जो मेथड है वो है स्कोर कार्ड मेथड। अब ये क्या होता है पहले तो इसको आप समझिए, बाद में मैं लिखवाई देता हूँ, ठीक है। मैंने क्लास वैसे चालू कर रखी है जैसे बोर्ड पे पढ़ाता हूँ, ठीक है, तो मैं तो मेरे तो बढ़िया हो जाएगा अगर नहीं लिखना है तो, मेहनत बच जाएगी, ठीक है। जगदीश कहाँ गया स्पेशल जगदीश, हाँ जगदीश सब बच्चों के लिए, मैं चाहता हूँ कि जीरो लेवल का बच्चा भी आईएलएस से लगे गवर्नमेंट, जीरो बैलेंस समझते हो ना, बिल्कुल खाली दिमाग, उसके अंदर मैं कुछ डालूँ और उसके अंदर दिमाग से जो रिजल्ट आ जाए वो भी गवर्नमेंट जॉब तक पहुँचे, सबको गवर्नमेंट जॉब मिले, ये मेरा टारगेट है। शिक्षा के अभाव में जो है कोई गवर्नमेंट पोस्टिंग होने से बच ना जाए, उसके जीवन में कोई जो है वो
दिक्कत ना आ जाए, ये मेरा टारगेट है, ठीक है। इतने इसीलिए तो मैं जीरो लेवल से उठा उठा के पढ़ा रहा हूँ, छोटे बच्चे को पढ़ाते हैं वैसे पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, ताकि सभी सेलेक्ट हों। क्योंकि LSA का जो स्तर होता है, बच्चा जो क्लास में लेता है, पता नहीं कौन सी क्लास कॉलेज में कैसे कैसे पढ़ाते होंगे, लेकिन मेरा हमेशा से ये पैटर्न होता है, जीरो से उठाओ उसको, जीरो से उठाते 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 ऊपर लेके जाओ, ठीक है। तो शायद आप समझ गए होंगे, आगे चलते हैं। अंजू मीर फोन मेमोरी को नहीं, अब के करो तो अंजू में कराऊ, किस किस को फोन दो, है ना। चलो आगे चलते हैं। स्कोर कार्ड मेथड क्या बोलता है? स्कोर कार्ड ये बोलता है कि अब इस विधि के अंदर आपको सभी लक्षणों का चयन करना है। कब किसका करना है? सभी लक्षणों का। तो इसके अंदर आपको ना एक लेना है ना दो से अधिक लेने हैं, उस जानवर के जितने भी लक्षण हैं उन सभी लक्षणों का चयन करना। तो सबसे पहला पॉइंट आता है इसके अंदर ऑल करेक्टर्स, सभी लक्षणों का, आपको सभी लक्षणों का जो है वो चयन करना है, ठीक है। जैसे मान लो कि आपके टोटल जो लक्षण है किसी जानवर से संबंधित, टोटल लक्षण हो गए 10। टोटल लक्षण कितने हो गए? 10। जैसे माने मान लो 1, 2, 3, 4 ऐसे करके टोटल 10 लक्षण हो, ठीक है। और प्रत्येक जो लक्षण होगा उसको अपन कुछ ना कुछ अंक देंगे, नंबर देंगे। जैसे मान लो कि 10 तो लक्षण हो गए और प्रत्येक लक्षण के लिए 10 नंबर है। अगर वो लक्षण उस जानवर में अगर शानदार है तो उसमें 10 में से 10 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। थोड़े कम है तो 9 नंबर मिल जाएंगे, थोड़े और कम है तो 8 नंबर मिल जाएंगे, और ऐसे घटिया क्वालिटी एकदम ही घटिया का तो 0, वरना कुछ 2-3 नंबर अपन उसको दे देंगे, ठीक है। तो मान लो कि पहला लक्षण है, मैंने इसको दे दिया 8 नंबर दे दिया, ऐसे इसको मैंने 9 दे दिया, 7 दे दिया, 4 दे दिया, 3 दे दिया, ऐसे मैंने सभी लक्षणों को है नंबर दे दिए, ठीक है। इन सभी लक्षणों को नंबर देने के बाद में इन लक्षणों का जो कुल योग होगा वो होगा स्कोर कार्ड, वो उस जानवर का क्या होगा? स्कोर कार्ड होगा। एक बार दोबारा समझना, आपको सभी लक्षणों का चयन करना है उस जानवर के अंदर। मैंने एग्जांपल के तौर पर बता दिया कि एक जानवर के अंदर टोटल कितने लक्षण है? 10 लक्षण है, 10 के 10 लक्षण मैंने यहां पर लिख दिए, ठीक है। और प्रत्येक लक्षण को नंबर देता गया। जैसे पहला लक्षण मान लो दूध उत्पादन है, तो किसी जानवर में तो दूध उत्पादन 15 लीटर है, तो ऐसे 30 लीटर वाला तो 10 में से 10 होता, तो मैंने 15 लीटर वाले को 8 नंबर दे दिया, या 7 नंबर दे दिया, 5 दे दिया, 4 दे दिया, जैसा आपका एक्सपीरियंस है उसके आधार पर आप प्रत्येक लक्षण को नंबर देते हुए चले गए। फिर सारे नंबर को आपको जोड़ लेना है, तो यहाँ पर कुल जो आएगा वो उस जानवर का क्या होगा? स्कोर कार्ड होगा, ठीक है। मान लो इसका मैंने योग कर लिया, स्कोर कार्ड है वो 48 आया, एग्जाम्पल जोड़ा नहीं मैंने, 48 मान लिया। तो मैं आपके हमने जानवर लिखता हूँ, पहला स्कोर कार्ड का जानवर जो काऊ नंबर है, काऊ नंबर 1, काऊ नंबर 2 और काऊ नंबर 3, इनके स्कोर कार्ड के नंबर लिखता हूँ, स्कोर कार्ड नंबर। मान लो इसके टोटल जो है 48 आए, इसके मान लो कि 74 आ गए और इसके 33 आ गए, ठीक है। अब इसमें से तीनों गायों के अंदर जो है आपको एक गाय को सेलेक्ट करना है उसके स्कोर कार्ड के नंबर के आधार पर। तो सबसे ज्यादा स्कोर कार्ड का नंबर कितना है? 74। तो आप कौन सी गाय को सेलेक्ट करोगे? 74 नंबर, जिसके स्कोर कार्ड नंबर है उस जानवर को आप जो है प्रजनन के लिए क्या कर लोगे? सेलेक्ट कर लोगे। इन दोनों गायों को आप सेलेक्ट नहीं करोगे, क्योंकि इन तीनों के अंदर सबसे ज्यादा स्कोर कार्ड का नंबर जो है वो कौन सी है? गाय नंबर 2 का है, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गई, स्कोर कार्ड में तक समझ में आ गया तो मैं लिख दूं भाषा में, हाँ या ना? हाँ, वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया, ठीक ठीक, शाबाश। तो मैं इसको भाषा में लिख देता हूँ। एक चीज और मैं आपको बताता हूँ कि अपन जेनेटिक्स और गायनेकोलॉजी तो अपने सब्जेक्ट चल रहे हैं, ये अपन सब्जेक्ट के लास्ट पड़ाव में चल रहे हैं, एंडिंग की तरफ चल रहे हैं, ठीक है। जल्दी से जल्दी इनका जो है कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, इसलिए आपको क्या करना है, आपको जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिले जिस भी किताब में, एक्स वाई जेड कहीं पर भी किताब हो, उन सब किताबों के अंदर आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करने हैं। जब आप सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कर लोगे तब आपको थ्योरी पर कंप्लीटली आपको कॉन्फिडेंस आने लग जाएगा। तो मान लो कि ये जो सिलेबस जो है वो ज्यादा बचा हुआ सिलेबस नहीं है, जल्दी खत्म हो जाएगा, तो आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जो किताब की एक्सरसाइज दी हुई है उनको स्टार्ट कर दो, आप फुल स्पीड से जो है जेनेटिक्स का स्टार्ट कर दो और गायने का भी स्टार्ट कर दो। तो इस चीज का आप ध्यान रखिए, साथ में साथ जो है क्वेश्चन करते चले जाइए, ठीक है।
अब इस स्कोर कार्ड मेथड में इसमें लिखते हैं कि इस विधि में सभी लक्षणों का चयन किया जाता है तथा प्रत्येक लक्षण को एक निश्चित अंक दिया जाता है। सभी लक्षणों के अंकों को जोड़कर एक पशु के लिए एक स्कोर कार्ड बनाया जाता है, जिस जानवर का स्कोर कार्ड अधिक होता है उस जानवर का चयन कर लिया जाता है। तो यही है कि इस विधि में सभी लक्षणों का चयन किया जाता है तथा प्रत्येक लक्षण के लिए एक निश्चित अंक दिया जाता है। सभी लक्षणों के अंकों को जोड़कर एक पशु के लिए एक स्कोर कार्ड बनाया जाता है और जिस जानवर का स्कोर कार्ड हाई होता है उस जानवर को जो है वो चयन कर लिया जाता है। तो ये सारे के सारे जो है वो सिलेक्शन के मेथड हैं। अगर मेथड आपको समझ में आ गए तो जो है अपन चयन के जो आधार है उसके बारे में पढ़ते हैं, बेसिस ऑफ सिलेक्शन। तो ये मेथड, तीनों मेथड में कोई भी दिक्कत है तो आप मेरे को बता सकते हो। अगर तीन मेथड मैंने आपको बताए इसमें कोई दिक्कत है तो आप बता सकते हो मेरे को, वरना जो है आगे का जो है चयन के आधार पर अपन चलते हैं। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ आगे चलो, वेरी गुड, आ गया सर जी समझ, वेरी गुड। तो अब हेडिंग डालिए आप चयन के आधार, बेसिस ऑफ सिलेक्शन। ये तो चयन के तरीके थे, मेथड थे कि उनसे मेथड के अंदर आप कैसे सिलेक्शन करोगे। अब चयन के आधार कौन से हैं कि आप जो इस मेथड के अंदर किस आधार पर किसी जानवर को आप चयन करते हो, तो बेसिस ऑफ सिलेक्शन इंग्लिश में बोलते हैं या हिंदी में बोलते हैं चयन के आधार। चयन के आधार, तो सबसे पहला आधार आता है व्यक्तिगत आधार, इंडिविजुअल सिलेक्शन, व्यक्तिगत चयन या इंडिविजुअल सिलेक्शन इंग्लिश में बोलते हैं इसको इंडिविजुअल सिलेक्शन, या इसको अपन बोल सकते हैं व्यक्तिगत चयन। अब ये क्या होता है इसको अपन समझेंगे, एक बार इसको अपन एक एग्जांपल से समझेंगे आपको समझ में आ जाएगा। मान लो कि इंडिया की क्रिकेट की टीम के लिए आपको एक बहुत शानदार बैट्समैन की जरूरत है, उसका आपको जो है चयन करना है। अब मान लो आप फील्ड में निकले, कहीं पर निकले, आपको एक लड़का बहुत शानदार क्रिकेट खेलता हुआ मिला, वो आपको हर बॉल पर चौके छक्के मार रहा है, ठीक है। तो अब आप चयन जो है उस बच्चे की परफॉर्मेंस के आधार पर करोगे, उस बच्चे का परफॉर्मेंस शानदार है, मतलब व्यक्तिगत का मतलब जिसका चयन कर रहे हो उसी को देखना है। अब बच्चे जो है उसके माँ बाप जो थे वो क्रिकेटर नहीं थे, उसके परिवार में कोई क्रिकेटर नहीं था, उसके रिश्तेदारी में कोई क्रिकेटर नहीं था, तो उन सब चीजों को नहीं देखना आपको, आपको सिर्फ ये देखना है इस बच्चे की परफॉर्मेंस कैसी है। अगर उस बच्चे की परफॉर्मेंस शानदार है तो आप इंडिविजुअल सिलेक्शन के आधार पर उसका क्रिकेट की टीम के अंदर चयन कर लोगे, ठीक है। तो यह है इंडिविजुअल सिलेक्शन। जानवरों के अंदर आ जाओ, मान लो कोई एक ऐसी गाय है जो कि 20 लीटर दूध देती है, उसकी माँ 10 लीटर दूध देती थी, उसकी संतति मान लो 5 लीटर दूध दे रही है, तो उस गाय का चयन जो है
आप उस गाय के खुद के परफॉर्मेंस के आधार पर करोगे, ना उसकी संतति के आधार पर, ना उसके पूर्वजों के आधार पर, ना उसके रिश्तेदारों के आधार पर। तो इंडिविजुअल सिलेक्शन क्या बोलता है कि किसी भी जानवर का चयन जो है उसकी खुद की स्वयं की परफॉर्मेंस के आधार पर किया जाता है। बहुत साधारण सी बात है, मैं इसको लिख देता हूं। इसमें किसी जानवर का चयन उसकी खुद की परफॉर्मेंस के उस खुद की परफॉर्मेंस के आधार पर किया जाता है अगर उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है तो आपको आजू बाजू में देखना ही नहीं है, ठीक है, ना उसके परिवार की तरफ देखना है, ना उसकी जो पेडिग्री है, फैमिली है, या किसी भी चीज के अंदर आपको उसके ऊपर आपको ध्यान देना ही नहीं। आपको गाय अच्छी लगी, बढ़िया दूध दे रही थी, आपने उसको सिलेक्ट कर लिया, उसको आप चयन उसका कर लिया। तो ये एक प्रकार का इंडिविजुअल सिलेक्शन है। तो इंडिविजुअल सिलेक्शन समझ में आ गया। वो साधारण सा सिलेक्शन है, किसी भी प्राणी को उसके खुद के स्वयं के परफॉर्मेंस के आधार पर चयन करना। वेरी गुड, चलो आगे चलते हैं। तो दूसरा जो चयन है वो वंशावली चयन है, पेडिग्री सिलेक्शन है। दूसरा जो आधार है चयन का वो है पेडिग्री, जिसको बोलते हैं वंशावली चयन। दूसरा जो है वो कौन सा है? वंशावली चयन, चयन जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वंशावली को, पेडिग्री सिलेक्शन। अब ये क्या होता है इसको आप समझिए। पेडिग्री चयन के अंदर आपको जो है, जैसे मैं क्रिकेट वाला एग्जांपल लेके चलता हूं कि एक लड़का जो अच्छा नहीं खेलता, ठीक है, उसका बाप क्रिकेटर है, दादा भी क्रिकेटर था, ठीक है, तो आप बच्चे को उसकी वंशावली के आधार पर चयन किया है, उसके खुद के परफॉर्मेंस के आधार पर नहीं। वो घटिया खेल रहा है, इज्जत तो पटाएगा, वो कन्फर्मली इज्जत तो पटानी है। हम माँ बाप बढ़िया है तो औलाद बढ़िया हो, कोई जरूरी थोड़ी पूरे जीना जाए, ठीक है, इज्जत तो पटवाएगा। लेकिन जो सिलेक्शन कर रहा है उस आदमी ने क्या आधार बनाया? पेडिग्री बनाया, वंशावली बताई। उसका बाप बढ़िया क्रिकेट खेलता था, उसका दादा बढ़िया क्रिकेट खेलता था, ये भी खेलेगा, ठीक है। आपने उस व्यक्ति का जो है परफॉर्मेंस नहीं देखा, ठीक है। तो पेडिग्री सिलेक्शन भी ऐसा ही है, किसी जैसे आपको कि दूध देने वाली गाय का सिलेक्शन करना है, और उसकी माँ अगर बढ़िया दूध देती थी, उसके बाप जो उसका सांड है उससे पैदा होने वाली संततियां अच्छा दूध देती हैं, तो उसको आप चयन कर लोगे, चाहे वो खुद कम लीटर दूध ही क्यों ना दे। तो पेडिग्री सिलेक्शन आपको क्या बताता है कि इस चयन में जानवर को उसकी वंशावली के आधार पर चुना जाता है। हो सकता है उसका परफॉर्मेंस अपने माँ बाप से भी घटिया हो, है ना, माँ बाप अच्छे हो और उसका खुद का परफॉर्मेंस बहुत घटिया हो, लेकिन पेडिग्री सिलेक्शन आपको एक ही चीज अलाउ करती है, आप है ना उसकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस को बिल्कुल ना देखें, उसकी परफॉर्मेंस को देखनी नहीं है आपको, तो उसके जो वंश जो है उसकी परफॉर्मेंस देखनी है कि वंश बढ़िया है तो वो भी बढ़िया है, ठीक है। करते हैं ना रिश्ता विश्ता, चार गाँव घर परिवार देखे, अगर आजकल तो सब फेल हो रहे हैं, कौन से उन्हें मोबाइल आ रहे जगह पर खानदानी सब खटपट कर रखे खेल, ठीक है, लेकिन फिर भी शादी ब्याह के अंदर पेडिग्री देखते थे, इंडिविजुअल भी देखते थे। अपने जो बुजुर्ग लोग हैं बहुत समझदार थे, वो इंडिविजुअल भी देखते थे, इंडिविजुअल से पहले पेडिग्री देखते थे कि खानदान कैसा है, खानदान बढ़िया है तो बच्चा भी बढ़िया होगा, ठीक है। लेकिन ऐसा अब है नहीं, है ना, अब ये फोन आ रहा है ना, तुम चैटिंग मार रहे हो ना, ये इसी कैटेगरी का है, ठीक है। तो ये पेडिग्री आपको समझ में आ गया होगा। आगे अपन चलते हैं प्रोजेनी टेस्टिंग। हाँ जागड़ा कौन करा तेरे बहुत दर्द हो रही है, इस कारण करवा से तेरह भी जुगाड़ करवा से बटे, ठीक है, एक बार क्लास तो खत्म हुआ। चलो आगे चलते हैं, प्रोजेनी टेस्टिंग तीसरी, टाइम कितना हो गया
टाइम हो गया, तो अपन जो है दो ही बच्ची भी है, कल पढ़ लेंगे अपन, प्रोजेनी टेस्टिंग है और फैमिली सिलेक्शन है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, बाकी की गायने की क्लास 5 बजे शुरू हो जाएगी, तो आप सभी भी चाय वाय पी लो, थोड़ा सा ब्रेक ले लो, एकदम तरोताजा हो जाओ। जिसकी MB कम है वो थोड़ा सेट कर लो MB, फोन मेमोरी डिलीट मार लो ना यार फालतू के, क्यों वो सेव कर रखे हैं, कभी उसका भी वीडियो ढंग ढंग का वीडियो रखो और मेमोरी खाली हो जाएगी, ठीक है। आज के दिन का भी धन्यवाद।